हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज हम बनाएंगे एक ऐसा डेजर्ट जो बहुत ही टेस्टी और यमी होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ खुबानी के मीठे की। इसे ड्राइड एप्रिकॉट डेजर्ट भी कहते हैं। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर न्यू रेसिपीज एंड फॉर पोस्ट नोटिफिकेशन प्लीज हिट द बेल आइकन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हमने लिया है 500 ग्राम्स खुबानी जो सीडलेस है। आप चाहो तो सीड वाली भी ले सकते हो। मैंने यहाँ इसे अच्छे से धो लिया है और इसमें 1 लीटर पानी डालकर 12 घंटे तक भिगोएंगे। हमारी खुबानी अच्छे से भीगकर फूल गई है। अगर आप सीड वाली ले रहे हैं तो इसका सीड निकाल लें। तो चलिए स्टार्ट करती हैं बनाने का प्रोसेस। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 500 ग्राम्स भीगी हुई खुबानी, 300 ग्राम्स के आसपास शुगर, 2 पिंच ऑफ कार्डमम पाउडर, 3-4 ड्रॉप्स ऑफ रेड फूड कलर। हमने भिगी हुई खुबानी को मिल्क पैन में डाल लिया है और अब हम इसे मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे। इसे जब तक पकाएंगे तब तक ये अच्छे से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए और इसे बीच बीच में थोड़ा सा मिक्स करते रहेंगे। ऐड करेंगे थोड़ा सा वाटर और इसे वापस से पकाएंगे। हमारी खुबानी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब हम ऐड करेंगे शुगर और इसे मिक्स करते हुए पकाएंगे। ऐड करेंगे फूड कलर और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ऐड करेंगे कार्डमम पाउडर और इसे 2-3 मिनट तक पकाएंगे। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर थोड़ा सा ठंडा होने रख देंगे। अब हम इसे 4-5 आवर्स तक रेफ्रिजरेट करेंगे। अब हमारी खुबानी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। मैंने यहाँ आइसक्रीम और ड्राई फ्रूट से सर्व किया है जो बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और साथ ही सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर लौट के आऊंगी एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।